अरे भाई पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है? सब लोग देख नहीं रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है, आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है, जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान खुशी झलक रहा है। अरे भाई पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है? सब लोग देख नहीं रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है, आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है, जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान खुशी झलक रहा है। अरे भाई पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है? सब लोग देख नहीं रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है, आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है, जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान खुशी झलक रहा है।